सिर्फ एक मिनट की वीडियो बनाकर 5-5 लाख ये चैनल मंथली बेसिस पर कमाता था, लेकिन आज ऐसी हालत है इस चैनल की कि आज 5 रुपए भी नहीं कमा पाता। तो ऐसी वो कौन सी गलती है जो कि आप गलती से भी आपके चैनल पर गलती वो करते हो तो आपकी हालत रात तो रात इनके चैनल की तरह होने वाली है। लेकिन वो जानने से पहले इनके चैनल के थ्रू इन्होंने एक एक मिनट की वीडियो डालकर 5-5 लाख महीना कैसे कमाया है वो जान लेते हैं, क्योंकि वो जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों कि एक मिनट की वीडियो डालकर भी कभी ऐसा कभी किसी चैनल के साथ हो सकता है, वो जब आप देखोगे तो आपके जो है होश ठिकाने नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये एक चैनल है मैंने ओपन करके रखा दोस्तों, इनके चैनल का नाम है GST गेमर। अब इनके चैनल पर गेमिंग की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की रिकॉर्ड की जाती है स्मार्टफोन के अंदर, ना फेस है ना वॉइस है, ऊपर से म्यूजिक है, लेकिन फिर भी चैनल मोनेटाइज है और 5-5 लाख रुपए मंथली बेसिस पर कमा भी चुका है। तो वो चैनल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते दोस्तों। देखो ये एक वीडियो इन्होंने अपलोड किया है, ठीक है। अब इस वाली वीडियो पर सिर्फ एक मिनट की गेम प्ले रिकॉर्ड करके अपलोड किया है और व्यूज कितने आए हैं देखो, 10 मिलियन जो व्यूज है दोस्तों 1.5 साल के अंदर इस वाली वीडियो पर आ चुके हैं। इस वाली वीडियो पर 1.5 साल के अंदर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अब व्यूज तो आ चुके हैं, वीडियो क्रिएट करने में इनको एक मिनट भी नहीं लगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये इस वीडियो की लेंथ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 53 सेकंड की लेंथ है इस वाली वीडियो की। क्या ही मेहनत लगी होगी, एक मिनट का भी काम नहीं किया लेकिन 10 मिलियन व्यूज लेके गए और इसी वीडियो से 2 लाख रुपए की अर्निंग इस वाले चैनल के ऑनर ने की है, ठीक है। अब वो कौन से ऑनर है वो भी दिखाऊंगा मैं, उससे पहले देख लीजिए एक ऑदर वीडियो उनके ही चैनल का जो कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। ये और ये वीडियो और ये वीडियो अलग अलग है, सेम ही है ऐसा मत समझना, लेकिन व्यूज सेम है दोनों भी वीडियो पर। देखो ये वीडियो अलग है, अब इस वाली वीडियो पर देखो कितने व्यूज आ चुके हैं, 1 साल के अंदर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इस वाली वीडियो पर भी। व्यूज तो आ ही चुके हैं, व्यूज तो पहले वाली वीडियो पर भी आ चुके थे। इसका भी जो लेंथ है वीडियो का 54 सेकंड का है, इस वाली वीडियो का 53 है, इस वाली वीडियो का 54 सेकंड का लेंथ है, जिसको बनाने में इनको चंद मेहनत क्या है, मेहनत कहा ही नहीं जा सकता ऐसी मेहनत को, क्योंकि एक मिनट की गेम प्ले रिकॉर्ड करने में क्या ही जाता है। तो इतने ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, तो इसने भी 2 लाख की इनकम जो है इस चैनल के ऑनर को ला के दी है, इसने 2 लाख की, इसने 2 लाख की दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि ये दो ही वीडियो है, ऐसे वीडियो इनके चैनल पर बहुत सारे हैं। अब वो वीडियो देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए उस चैनल के ऑनर कौन से हैं। ये देखो ये जो है, ये जो लड़का दिखा देता है, ये जो चैनल मतलब ये लड़का जो है वो इस चैनल का ऑनर है, GST गेमर इस चैनल का ऑनर है ये लड़का, जो कि यहाँ पर आ चुका है जुन्नू की टेक इनके सेटअप पर या उनके घर पर जा चुका है। अब इन्होंने इनके ऊपर, ये जुन्नू की टेक सर है ना, इन्होंने जो है इनके ऊपर एक वीडियो बना दिया। अब इन्होंने इनके चैनल के जो अर्निंग है यहाँ पर दिखा दिए, देखो 21,81,847 रुपये की जो अर्निंग है इन्होंने 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की गेम प्ले वीडियो अपने स्मार्टफोन के जरिए रिकॉर्ड करके अपलोड करके अपने चैनल से कर लिए दोस्तों। इतनी इनकम 21,81,847 रुपये की अर्निंग, इतनी ज़्यादा अर्निंग की है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की गेम प्ले रिकॉर्ड करके। अब अगला डेटा देखने से पहले दोस्तों मैं आपको जीके चैनल के थ्रू अर्निंग करना सिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। अब रिफ्रेश करने से पहले ये देखो यहाँ पर $336 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो अर्निंग है दोस्तों मैंने 30 दिन के अंदर 30 घंटे देकर इतनी अर्निंग $336 की अर्निंग जो है की है। अगर इसी अर्निंग को इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये 27,700 रुपीज़ के पार हो जाती है दोस्तों। अब ये जो अर्निंग है वो मैंने की है, अब सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इतनी अर्निंग कैसे करने वाले हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो स्किप करके आगे का पार्ट देख लेना, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो जरूर इस पार्ट को देख लेना दोस्तों। देख सकते हो फिर से वही डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है, $336 की अर्निंग जो है मैंने की है जी के चैनल जनरल नॉलेज के चैनल से डेली का 1 घंटा देखे। अब यही जो अर्निंग है, चलो मैं आपको एडसेंस के अंदर भी ऐड करके मतलब ऐड जो हुई है वो दिखाऊंगा। ये रहा मेरा एडसेंस का अकाउंट, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, डेटा लोड हो रहा है दोस्तों, और होने के बाद यहाँ पर $336 की जो अर्निंग दिखा रहा है दोस्तों ये वाली, ये देखो ये एडसेंस के अंदर भी ऐड हो चुके हैं मेरे, और आने वाले 21 जनवरी को ये मेरे जो है बैंक अकाउंट में यूट्यूब ट्रांसफर कर देगा दोस्तों। अब ये $336 है,
अब इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब जो कुछ छेड़छाड़ करके फ्रॉड करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन किसी को लग सकता है। तो इसकी वजह से मैंने इस वाले पेज को भी दो बार रिफ्रेश किया है, इस वाले पेज को भी दो बार रिफ्रेश किया है। $336.60 की जो अर्निंग YouTube के अंदर दिखा रहा है, वही अर्निंग एडसेंस के अंदर भी सेम टू सेम दिखा रहा है। तो इतनी अर्निंग आप भी करने वाले हो, अब वो कैसे, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको जीके चैनल का ए बी सी तक नहीं आता तो फर्क भी नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने सिखाने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स के अंदर बेसिक से लेके एडवांस की टेक्निक आप सभी के साथ शेयर की है। अब एडवांस की टेक्निक का नाम सुनते ही घबरा मत जाना, क्योंकि एडवांस की टेक्निक इतनी ईजी है कि एक अनपढ़ भी उसे सीख सकता है, समझ सकता है और सीख के मेरी तरह इनकम कमाई कर सकता है दोस्तों 110%। क्योंकि वो जो टेक्निक है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने अपने 3 जीके चैनल को ग्रो करा लिया दोस्तों। इसकी वजह से जो टेक्निक है आज तक YouTube पर किसी ने भी शेयर नहीं किया, मतलब किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला दोस्तों। और वो एक्सपीरियंस शेयर करके आप अपने जीके चैनल के थ्रू चंद दिनों के अंदर अर्निंग करना, कमाई करना, इनकम करना स्टार्ट करने वाले हो। तो जो भी इंटरेस्टेड है, लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जीके चैनल के थ्रू कैसे अर्निंग की जाती है A to Z आपको सिखाने के लिए उस कोर्स का दे दिया है। तो चलिए, जिनको इंटरेस्टेड है वो जरूर ले लेना। अब अगला डेटा देख लेते हैं दोस्तों इस चैनल का, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो उस चैनल को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। देखो, ये पूरा का पूरा चैनल ही है इनके चैनल पर दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कि 4 लाख सब्सक्राइबर फिलहाल के लिए अवेलेबल है। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी ये चैनल की हालत आज के दिन में कुछ ऐसी हो चुकी है कि ये 5 रुपये भी अपने चैनल से नहीं कमा पा रहे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 मिलियन इनके बारे में तो हमने जान लिया है। उसके बाद ये 6.6 मिलियन, 5.3 मिलियन, उसके बाद देखो ये 4.6 मिलियन, 3 मिलियन, 2.7 मिलियन, 2.7 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2 मिलियन, 1.9 मिलियन, इतने जो व्यूज हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के गेम प्ले को रिकॉर्ड करके अपने चैनल से ये मतलब इनकम कर रहे हैं। ठीक है, 2-2 लाख, 5-5 लाख की मंथली बेसिस पर। तो इतनी इनकम कर रहे थे तो अचानक से इनके चैनल पर ऐसा क्या हुआ कि आज 5 रुपये भी नहीं कमा पाते? आपके मन में ये जाहिर सी बात है कि सवाल सबसे पहले, मतलब पहले मिनट से, पहले सेकंड से अभी तक तो आ ही रहा है। तो उसकी जो रियलिटी है मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपको बिल्कुल भी आपके चैनल पर नहीं करनी है। चाहे आपका चैनल नया है, पुराना है या ग्रो किया हुआ है, अगर गलती से भी गलती ऐसी आप आपके चैनल पर करते हो तो आपके चैनल का भी रातों रात इनके चैनल की तरह ही हालत होने वाला है या हो सकती है, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी है दोस्तों। अब वो कौन सी गलती है? तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया कि अपने चैनल के ऊपर जो ये फ्री फायर के वीडियो अपलोड करते थे, अब मुझे उतना गेमिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे गेमिंग का ABC भी नहीं आता है, मतलब मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि गेमिंग का जो कह सकते हो कि जो क्या कहते हैं लत है, गेमिंग की जो लत है वो मुझे अपने अंदर नहीं लगानी है। इसकी वजह से मैं कभी जानने की कोशिश भी नहीं करता हूँ कि कौन सा गेम किस तरीके से खेला जाता है या किस तरीके से वर्क करता है, मैं उससे दूर ही रहता हूँ। आज तक मैंने एक भी गेम नहीं खेला दोस्तों, यकीन मान लो मुझ पर। तो इसकी वजह से ये छोड़ देते हैं गेम की बातें, लेकिन इन्होंने गलती ये की है कि अपने चैनल पर ये फ्री फायर के वीडियो अपलोड करते थे, तो फ्री फायर तो इंडिया ने बैन कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये अपने चैनल पर फ्री फायर वापस आएगा करके वेट करते रहे, और इस वेट करने के चक्कर में ये इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे थे, वेट करने के चक्कर में अपने वीडियो अपने चैनल के ऊपर इन्होंने एक भी वीडियो अपलोड किया नहीं, क्योंकि जो फ्री फायर गेम है वो बैन हो चुका था। तो ये हालत इनके चैनल की हो चुकी थी, क्योंकि इनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो अपने चैनल की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं रख पाई। जब तक मेंटेन रखी तब तक इन्होंने अर्निंग की, बीच में ही मतलब मान सकते हो कि इनकी एक बैड लक कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो फ्री फायर है वो बैन हो गया। उसके बाद ये वेट करते रहे कि फिर से कब आएगा करके, और इसी के चक्कर में इन्होंने अपने चैनल की आज ये हालत कर दी है, जो कि किसी महीने ये 5-5 लाख महीने कमाता था तो आज 5 रुपये भी नहीं कमा पाता है, क्योंकि इन्होंने वो गलती की है। दूसरी गलती ये है कि ये अपने वीडियोज़ के अंदर फेस भी नहीं दिखाते, वॉइस भी नहीं डालते, ऊपर से म्यूजिक यूज़ करते हैं। तो YouTube ने इनके चैनल को पुश करना भी बंद कर दिया, क्योंकि ना फेस है ना वॉइस है, वो इसकी वजह से इनके चैनल को पुश करना बंद कर दिया दोस्तों। ये भी सबसे बड़ी गलती है,
और तीसरी भी एक गलती है कि ये क्या करते हैं कि अपने हर एक वीडियो के अंदर एक एक सा ही टाइटल रखते हैं, जो कि ये भी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ये गलती माफी यूट्यूब तब कर देता है जब आपका फेस हो, वॉइस हो, तब माफी कर सकता है, लेकिन इनका तो कुछ है भी नहीं। तो इसकी वजह से यूट्यूब ने इनके चैनल के ऊपर जो है बहुत ही बुरी तरीके से मतलब एक कह सकते हो कि उनके चैनल को नीचे ला दिया है। 4 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी इनके चैनल पर 48 घंटे के अंदर व्यूज 2000 भी नहीं आते। तो ये कुछ हालत इनके चैनल की इनके खुद के हाथों से इन्होंने करा ली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन ये क्या इसमें वर्क मत करना अभी, क्योंकि अभी इसमें वर्क करोगे तो YouTube जो है आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने पहले किया तब कर दिया YouTube ने मोनेटाइज। लेकिन अभी आप ऐसा करोगे तो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ना तो इनकी फेस है, ना तो वॉइस है, ऊपर से म्यूजिक भी यूज कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि ये चैनल मोनेटाइज YouTube ने कैसे कर दिया। फेस भी नहीं, वॉइस भी नहीं, म्यूजिक भी है, तो मोनेटाइज कैसे किया मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। और ऊपर से गेम प्ले भी रिकॉर्ड किया है, खुद का तो कुछ है ही नहीं। तब हुआ वो हुआ, लेकिन अब ऐसा मत करना क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं इससे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि अगर आप गलती से इसमें वर्क करोगे तो फिर आपका चैनल चल भी जाए तो अर्निंग आप एड्स के जरिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों, और चैनल ऊपर से कब डिलीट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसकी वजह से इसमें वर्क मत करना, अदर कैटेगरी जो मैंने चैनल पर बना के रखी है उस पर वर्क करो। या तो सबसे बेस्ट कैटेगरी है डेली का 1 घंटा देके जीके चैनल के थ्रू मेरी तरह अर्निंग करनी है, इनकम करनी है, कमाई करनी है, तो मैंने आपको सिखाने के लिए जीके कोर्स को लॉन्च किया है। उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया दोस्तों। वहां पर एक अनपढ़ भी सीखकर कमा सकता है दोस्तों, इतनी इजी कैटेगरी होती है। अब मैं इसके आगे क्या ही कहूं, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है जीके चैनल के थ्रू अर्निंग करना तो जरूर ही परचेज। अच्छी की कोई बात नहीं होती, मेरी बात सुनो, अच्छी की कोई बात नहीं होती मतलब इंटरेस्ट नहीं है करके नहीं लोगे या नहीं उस कैटेगरी में जाओगे, ऐसा नहीं होता। मुझे भी इंटरेस्ट जीके चैनल में कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे वो चैनल इनकम ला के देता है, कमाई ला के देता है, तो पैसे के अलावा दूसरों को मुझे पैसों के अलावा जो है इंसान को क्या ही चाहिए होता है। तो इसकी वजह से मैं वो जो वीडियोस है जीके की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बनाता हूँ, क्योंकि अर्निंग मुझे उसी से आती है। तो ये बात है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो जीके कोर्स का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या तो आप जो है अदर कैटेगरी में वर्क करना, इसमें मत करना, क्योंकि रिकमेंड में बिल्कुल भी नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके चैनल की ये हालत हो चुकी है, कल को आपके चैनल के भी हो सकती है। और पहली बात तो ये कि ऐसे चैनल अभी मोनेटाइज ही नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं इससे भी अमेजिंग अमेजिंग जो कैटेगरी है आपके सामने लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियोज़ के।